चलिए हम बढ़ते हैं आगे एक कोर्स है उत्साह प्रयास की जर्नी है और इसके बिना आज तक कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की गई है ठीक है दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ पहला प्रश्न हाल में ही भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफ एस आर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है ठीक है दोस्तों ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं वित्तीय संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या एफ एस आर कहा जाता है जिसे हाल में ही जारी किया गया है आरबीआई ने यह अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित यानी जी अनुपात 8.5 परसेंट रहेगा और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जी अनुपात 8.5 परसेंट से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5 परसेंट हो सकता है यही चीज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जी अनुपात मार्च 2021 में बढ़कर 15.2 परसेंट हो सकता है ठीक है दोस्तों अनुपात कितना हो सकता है 12.5 और सार्वजनिक बैंकों का 15.2 कुछ जानकारियाँ आरबीआई के लिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी इसका मुख्यालय मुंबई में है इसके गवर्नर है श्री शक्ति दास साहब हाल अभी की बैंक दर क्या है चार परसेंट और भंडार पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन रिजर्व कितना है थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट और थोड़ी जानकारी हम आरबीआई के बारे में लेते हैं आरबीआई बी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो 21 मेंबरों का होता है कितने होते हैं 21 मेंबरों का होता है उसमें एक गवर्नर होते हैं चार डेप्टी गवर्नर होते हैं दो फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दस व्यक्ति गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं कितने दस व्यक्ति गवर्नमेंट नॉमिनेट होते हैं और चार जो व्यक्ति होते हैं चार जो डायरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल हेडक्वार्टर किसको लोकल हेडक्वार्टर यानी मुंबई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के ठीक है दोस्तों आई होप ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आयकर दिवस कब मनाया जाता है पच्चीस जुलाई अट्ठाईस जुलाई इक्कीस जुलाई या चौबीस जुलाई दोस्तों ये मनाया जाता है चौबीस जुलाई को आयकर इस बार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को अपना 160वां 160वां आयकर दिवस बनाया है ठीक है दोस्तों अब 160वां कैसे हुआ इसके बारे में बताता हूं मैं आपको 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स सर जेम्स द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था इसीलिए कौन सा हो गया एक सौ इंडिया में प्रत्यक्ष कर की सभी मामले एक जनवरी उन्नीस सौ एक जनवरी उन्नीस से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए हैं तथा इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम राजस्व बोर्ड अधिनियम उन्नीस से अधिकार प्राप्त हैं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं ये किसके अंडर में आता है वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है वित्त मंत्रालय के, के मंत्री कौन है जैसा कि सबको पता है श्रीमती निर्मला सीता, रमन चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 27 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया चलिए इसका जवाब है सीवा, कौन सा 82 नंबर का बनाया गया है ठीक है दोस्तों अब केंद्रीय रिजर्व बल के बारे में कुछ जानकारी केंद्रीय रिजर्व बल ये जो है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है किसके अंडर में आता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और होम मिनिस्टर कौन है श्री अमित शाह कौन है अमित शाह इसकी स्थापना हुई थी सत्ताईस जुलाई उन्नीस में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली इसके डीजीपी जी है श्री ए पी महेश्वरी इसका मोटो है सेवा और निष्ठा चलिए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं वीरता दिवस कब मनाया जाता है वीरता दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को अब इसके पीछे की कहानी क्या है 9 अप्रैल 1965 यानी आठ और नौ अप्रैल की मध्य रात्रि को पाकिस्तान की इक्यावनवीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पैंतीस सैनिकों के साथ कच्छ के रण में ओपी डिजर्ट हॉक शुरू कर दिया वहां मौजूद हैंड कांस्टेबल भावना राम ने वीरतापूर्वक उन्हें पीछे ढकेला और हमारी पोस्ट को बचाए रखा और इस उपलक्ष में वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है ठीक है दोस्तों आगे अगर हम देखें सौ डे दे कब मनाया जाता है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है इसके पीछे की कहानी क्या है 21 अक्टूबर 1959 1959 में एसआई करम सिंह और उनके 20 सोल्जरों पर चाइनीज आर्मी ने अटैक किया कहाँ पर हॉट स्प्रिंग पोस्ट जो कि लद्दाख में मौजूद है और वहाँ हमारे दस सैनिकों की मृत्यु हुई दस सैनिकों की मृत्यु हो गई फिर भी हम उस पोस्ट पे डटे रहे इसीलिए वीरता दिवस मनाया जाता है ठीक है दोस्तों अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं देखिए केंद्रीय नौ मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है ठीक है दोस्तों इसके ऑप्शन है तीन साल पांच साल एक साल या दो साल इसका सही जवाब है तीन साल ठीक है दोस्तों कितना है तीन साल अब केंद्रीय नौवहन मंत्रालय ने अंतरदेशीय क्या दोस्तों अंतरदेशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए तीन साल तक शुल्क माफ कर दिया गया है ठीक है दोस्तों अब भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी सत्ताईस अक्टूबर 1986 के दिन अगर हम अंतरदेशीय जलमार्ग की लंबाई देखें तो वो लंबाई है 14,500 किलोमीटर जिसमें तकरीबन बावन किलोमीटर नदी द्वारा मार्ग है और चार हजार किलोमीटर नहरों द्वारा मार्ग है ठीक है दोस्तों अब अगर मैं बात करूं सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत है और जो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है इसकी दूरी है 1620 किलोमीटर और ये किस राज्यों को कनेक्ट करती है यूपी बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल को ठीक है दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अब अगला प्रश्न हम देखते हैं अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं राफेल सामने आपके है और नीचे वायुसेना अध्यक्ष है इनका नाम मैंने पिछली साइड में बता रखा था इनका नाम है श्री राकेश सिंह भदौरिया ठीक है चलिए फाइटर के बारे में आज मैं क्यों लेके आऊं कि आज ही यानी कि आज 27 जुलाई 27 जुलाई के दिन फ्रांस ने पांच पांच फाइटर प्लेन की सप्लाई भारत को की है ठीक है दोस्तों अब इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा ये लिखा है भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू आज सुबह फ्रांस के मैरगिन स्थित दसाल्ट एविनेशन फैसिलिटी से भारत के लिए उड़ान भर दी है इन पांच विमानों में ध्यान रखना दोस्तों तीन सिंगल सीटर विमान और दो ट्विन सीटर विमान शामिल हैं इसको दो चरणों में लाया जाएगा ठीक है इस विमान को वहाँ से लाने की जिम्मेवारी भारतीय वायुसेना के पायलटों को दी है बारह पायलटों को उड़ाने का व्यापक परीक्षण भी लिया है साथ ही साथ पहले चरण में हवा से हवा में ईंधन भरने का काम भी यही पायलट करेंगे ठीक है फ्रांसिस वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष टैंकर की सहायता से ये काम सफलतापूर्वक किया जाएगा इन विमानों को इन विमान के 29 जुलाई को अम्बाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है इन विमानों के 29 जुलाई 2020 को अम्बाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है 17 स्क्वाडन गोल्डन एरोज को राफेल विमानों से लैस इस सैन्य बेस पर तैयार किया जा रहा है चलिए यहाँ आने के बाद इसमें क्या लगाया जाएगा इसमें मिसाइल फिट होगी जिसका नाम है मेटे और स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से इसे लैस किया जाएगा टोटल कितने विमानों की डील हुई है छत्तीस राफेल विमानों की डील सितंबर 2016 में तत्कालीन सरकार ने की थी छत्तीस में से तीस विमान लड़ाकू हैं और छः विमान ट्रेनर हैं ये ध्यान रखना तीस लड़ाकू विमान हैं और ट्रेनर विमान हैं और ट्रेनर जो विमान है वो हैं टू सीटर ठीक है दोस्तों राफेल के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने दे दी हैं अब हम आगे देखते हैं चीता आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ चीता हमेशा ही एक पाँव पे दौड़ता है और जबकि इसके तीनों पाँव हवा में होते हैं तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको अग अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें धन्यवाद नमस्कार जय हिंद